कर्मचारियां दी। रोहतक में भी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, अनियमित कर्मियों को नियमित किया जाए, समान काम समान वेतन मिले। प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लाखों कर्मचारी गिरफ्तारी दे रहे। चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी कि हम राज में आए तो एक कलम से तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पुरानी पेंशन नीति सब पर लागू करेंगे, पंजाब के समान वेतन बच्चे लागू करेंगे, समान काम समान वेतन लागू होगा, हम 2 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक भी मांग पूरी नहीं की गई, इसलिए सर्व कर्मचारी विरोध आज जेलों में जा रहा है। क्योंकि अभी हाईकोर्ट का जो निर्णय है, हमने ये फैसला किया कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। आगे हमने फैसला किया जो ही विधानसभा का सेशन आएगा उसके अगले दिन लाखों लाख कर्मचारी चंडीगढ़ विधानसभा के ऊपर घेराव करेंगे और वहीं से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए और खाली पड़े पदों को भरा जाए। इससे पहले कर्मचारी रोहतक स्थिति पाक में इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसके पश्चात कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी स्थानीय रोहतक से सनी।